स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो पे। तो अबे देखा भैया लोग, हम अपन घर छोड़ के जाते हैं परदेश। अब कमाए खातिर जाते, का करे खातिर जाते, आप सबके आगे वीडियो में पता चली। तो कंटिन्यू आप सब हमारे वीडियो पे बना रह जाओ, और अब तक आप सब हमारे वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यार देखा कुल तैयारी होगी बाटे, फटाक से निकला थे ट्रेन हो गए हमार जौनपुर से। चला आज के यह ब्लॉग में कंटिन्यू आप सब बना रह जा, और आप सबके देखने की मिली, जाने की मिली, हम कहाँ जाते, का काम से जाते, का कुछ भी हो, सब कुछ यही वीडियो के माध्यम से आप सबके पता चले। जाती माई कमाए जाते, अब आई ना जो तू रोवत हो एक नाते। तो चलिए निकलते हैं हम लोग। भैया हम पहुंच चुके हैं भंडारिया रेलवे स्टेशन। ये रहा भंडारिया रेलवे स्टेशन, और अभी हम थोड़ा सा लेट हैं, चले फटाफट टिकट ले लें, क्योंकि चालू टिकट ही लेके जाना है। पहले से कोई कंफर्मेशन नहीं था, तत्काल जाना पड़ रहा है। किस काम से जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो कंटिन्यू रहिए। यह भंडारिया रेलवे स्टेशन जौनपुर जंक्शन लेगा टिकट। ये है टिकट काउंटर, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मिलता है टिकट। तो चलिए फटाफट लेते हैं, देख रहे हैं। ये हमने टिकट ले लिया, देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5, और वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं जाने के लिए। तो भैया लोग अंधेरा हो चुका है, और ट्रेन का संकेत मिल चुका है, ट्रेन आ भी रही है। 7:05 हो गए हैं, और ये देखिए भीड़। ये देखिए ट्रेन आ गई हमारी, देख रहे हैं। ये देखिए भीड़, ट्रेन आ गई है। तो चलिए बैठ लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये लोग चालू डिब्बे में, देखो चालू डिब्बे में आ गए, चालू डिब्बे का हाल देख रहे हैं, दिखाते हैं, देख रहे हैं। बार भैया पहले भैया बैठ चुके हैं, सीट मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है। देखिए बुरा हाल है चारों क्लास का, देख रहे हैं लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए बैठ चुके हैं फर्स्ट क्लास। चलिए आज की इस जर्नी को करते हैं कंटिन्यू, बने रहिए, मज़ा आएगा आप लोग को सालू डिब्बे में सफ़र करने का। हम भी जा रहे हैं आराम करने के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। चलिए आराम करते हैं, क्या करें, सफ़र तो करना ही करना है। और अभी जो टाइमिंग हो रहे हैं 10:30 बजे, चलिए मिलते हैं सुबह। आराम करके उठे हुए हैं, देख रहे हैं, और हम मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटा 16 मिनट लेट चल रही है। क्या करें, गर्मी तेज़ यहाँ भी लग रही है। बाकी देखते हैं दिल्ली पहुँच, वहाँ भी गर्मी तेज़ लगेगी या गांव जैसा ही माहौल है, क्या है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग हो चुका है, वही हाल है चालू क्लास में, देख रहे हैं जैसे लोग बात हुए भरे हैं, कैसे दिखते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो अर्जेंट में आना था, क्या कर सकता, यही एक चारा था इसके अलावा। चलिए आगे की जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। चुके हैं मुरादाबाद, हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई, 2.5 घंटे लेट थे लेकिन अभी 3 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, फिर निकलते हैं हम लोग। ये देखिए, तो
अभी देखिए हम गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं और यहाँ देखिए तमाम साइडों पर देखिए तोरी की खेती की हुई है और इधर आप लोग को बाजरा देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं भैया। हम सब पहुंच चुका है आधे गाजियाबाद। हमारी ट्रेन का कहिया 3.5 घंटा लेट हो गई जान लेते हैं और अभी जो टाइम हो बाटा है वो 10:50 हो बाटा है। कहाँ से हमारे साथ टाइमिंग रहा 8 बजे के पहुँचे के आनंद विहार, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो गया। अब 11:10 हम सब आनंद विहार पहुँचे। बाकी देखिए अगर यहीं से कोनो लोकल ट्रेन मिल जाए तो यहीं से निकल ले। बाकी देखा था पहुँचा ही वाला है गाजियाबाद, दिखाओ था आप सब। गाजियाबाद हम उतर चुके हैं और यहीं से देखते हैं कोई लोकल, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, देखते हैं बाकी। तो भैया लोकल ट्रेन मिली नहीं इसलिए इसी से जा रहे हैं आनंद विहार, पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए आनंद गाजियाबाद, ये देखिए ये देखिए ठीक सामने जयनगर से गरीब रथ भी जा रही है, देख रहे हैं ये भी आनंद विहार को ही जा रही है, देख रहे हैं। और ये भी अपनी है। तो ये लीजिए भैया हम आ चुके हैं आनंद विहार, आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा बैनर। चार घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच रही है आनंद विहार। फाइनली आनंद विहार और चल रहे हैं बाहर, निकलते हैं, देख रहे हैं ये ट्रेन। फाइनली भैया लोग बाहर आ चुके हैं और आप लोग को दिखाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नज़ारा सबसे पहले। और काफ़ी दोपहर हो चुका है, देख रहे हैं कितना भीड़ है और धूप पीछे से दिखाई दे रहा होगा, एक बार फ्रंट से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए देख रहे होंगे आप लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नज़ारा, देख रहे हैं। और फाइनली हमारी यात्रा सफल रही और सामने जस्ट है मेट्रो, मेट्रो से चलते हैं हम रूम पे। किस कारणवश हमें दिल्ली आना हुआ और अचानक सब कुछ रूम पे पहुंचने के बाद मैं आप लोग को बता पाऊंगा। बहुत तेज की भूख लगी हुई है और 4 घंटे लेट थी मेरी ट्रेन, पहुँच चुके हैं, चलते हैं रूम पे सबसे पहले भोजन वगैरह खाते हैं फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए क्राउड, देख रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखिए क्राउड ये देखिए। तो देख रहे होंगे आप लोग हमारे पीछे का क्राउड आनंद विहार रेलवे स्टेशन का और जस्ट हम मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। जी मेट्रो स्टेशन में और ये देख रहे हैं लिफ्ट की सीढ़ियाँ और ऊपर पहुँचते हैं, यहाँ वेट करते हैं अपनी मेट्रो ट्रेन का। आए ऊपर आ गए, ये देखिए देख रहे हैं ट्रेन भी आ गई, ये होती है मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो। जी मेट्रो से भी निकल चुके हैं, चलते हैं फटाक से रूम पर फिर बातें करते हैं, ये देखिए। तो फाइनली भैया लोग हम पहुंच चुका है अपने मामा के रूम पे और यार देखा बहन पहुंचा थे, अब आप सबके टाइम बता दी 12:30 होत बाटे, 7 बजे ट्रेन रही 12:30 बजे पहुंचा थे। बहुत हालत ख़राब हो गई भाई जाला कालेज, दोपहर से भूखे प्यासे चला हाथ गई घरे से, थोड़ा बहुत खाना खा रहे लेकिन उतना कहाँ जनाई। तो पहुँच चुका है आप सबके बता दी हम कहाँ करे आए हैं
हमारा CISF के रिटर्न एग्जाम होने वाला बाटे। पिछली बार आप सब वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारा CISF का फिजिकल हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिली जात जा आप सब वो वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे जा। तो चला अब यही वजह से हम आए फाइनली दिल्ली अपन रिटर्न एग्जाम क्लियर करे खातिर। बाकी जैसन कुछ भी आप सबके अगले वीडियो में पता चलत रही। और यहाँ देखा हमारे मामा को लड़कियन मौसी की लड़कियन और बहुत लड़कियन भैया कैसे कैसे परिचय कराए। तो ज़्यादा कुछ ना कहा आज के ट्रेवल ब्लॉग आप सब देखा गया कैसन लाग आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ जज जाए। और ज़्यादा कुछ ना कहा तो आज के वीडियो के यही पर समाप्त करते। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।